शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भैया बहनों, आपकी वंदना पुस्तक में जो भगवान विष्णु के ध्यान के लिए जो मंत्र दिया हुआ है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, इस मंत्र के एक एक शब्द को समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भैया बहनों, आपकी वंदना पुस्तक में जो भगवान विष्णु का ध्यान करने हेतु जो मंत्र दिया हुआ है वो इस प्रकार है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भैया बहनों, शांताकारम जिनका आकार, इनकी आकृति शांत स्वरूप हैं, शांताकारम, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, शांत जोड़ आकारम। भुजग शयनम, भुजग अर्थात भुजंग मतलब सर्प सांप, और शयनम मतलब निद्रा, सांप की शैया पर जो निद्रा मग्न होते हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम, पद्म अर्थात कमल और नाभ अर्थात नाभि, जिनकी नाभि में पद्म अर्थात कमल का फूल प्रस्फुटित होता है, और जिस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, वो पद्म फूल, वो कमल फूल भगवान विष्णु के नाभि से निकलता है, अतः उन्हें पद्मनाभ कहा जाता है। सुरेशम, इसमें भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, सूर जोड़ ईशम, सुरेशम सूर अर्थात देवता और ईशम अर्थात ईश्वर, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं वो सुरेश हैं। विश्वाधारम, विश्व जोड़ आधारम, जो संपूर्ण विश्व के पूरी दुनिया के आधार हैं वो हैं विश्वाधारम। गगन सदृशम, गगन अर्थात आकाश, और आकाश के सदृश हैं, आकाश के समान हैं वो भगवान विष्णु हैं, जो मेघवर्णम हैं, मेघ अर्थात बादल और वर्णम अर्थात रंग, जो बादल के जैसे रंग के हैं, यानी कृष्ण वर्ण हैं, काले रंग के हैं। शुभांगम, जिनके सभी अंग 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 हर एक अंग शुभ हैं, शुभांगम। लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी अर्थात माता लक्ष्मी, धन की देवी माता लक्ष्मी, और उनके कांत, कांत मतलब पति, लक्ष्मी के कांत अर्थात लक्ष्मीकांत, भगवान विष्णु को लक्ष्मीकांत कहा जाता है, यानी माता लक्ष्मी के पतिदेव। कमल नयनम, जिनके नयन अर्थात आँख, जिनकी आँखें कमल के समान हैं, कमल नयनम। योगी भीर ध्यान अगम्यम, योगी भी अर्थात योगियों, ध्यान मतलब ध्यान के द्वारा जो गम्यम, गम्यम अर्थात प्राप्त होते हैं, योगियों के द्वारा ध्यान करने पर जो प्राप्त होते हैं, योगी भी ध्यानगम्यम, वैसे भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम अर्थात वंदे विष्णु, वंदे अर्थात प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, ऐसे भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो भवभय हरम अर्थात जो संसार के सारे भय को हर लेते हैं, भव अर्थात संसार के भय को जो हर लेते हैं, यानी दूर कर देते हैं, हरम हरम करना मतलब हर लेना मतलब दूर करना, जो संसार के सारे भय को कष्ट को दुख को दूर कर देते हैं, हर लेते हैं, वैसे भगवान विष्णु को मैं वंदना करता हूँ,
जो सर्वलोकैक नाथम हैं। सर्व मतलब सभी लोकों के जो नाथ हैं यानी स्वामी हैं, मालिक हैं, ईश्वर हैं, सर्वलोकैक नाथम। भैया बहनों, अगर इनको विस्तार से इसका अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे तो नीचे दिए गए पंक्तियों को अवश्य पढ़ें, इसको जान लें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिनकी आकृति अतिशय शांत हैं, शांताकारम, अभी पढ़े थे ना शांताकारम, जिनकी आकृति शांत हैं, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, भुजग शयनम, अर्थात जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हैं। भैया बहनों मैं बता देना चाहता हूँ, भगवान विष्णु जिस सांप के ऊपर निद्रामग्न होते हैं, शयन करते हैं, उस सांप का नाम है शेषनाग। उनके ऊपर वो निद्रामग्न होते हैं, सोते हैं। जिनकी नाभि में कमल हैं पद्मनाभम, जिनकी नाभि में कमल हैं, कमल का पुष्प है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, सुरेशम, सुरों के भी जो ईश हैं, सुरेशम, देवताओं के भी जो ईश हैं, और संपूर्ण जगत के आधार हैं विश्वाधारम, जो संपूर्ण दुनिया के, पूरी दुनिया के आधार हैं, जो आकाश के सदृश हैं गगन सदृशम, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह हैं, नील मेघ के समान हैं मेघ वर्णम, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं शुभांगम, इनके सभी अंग, हर एक अंग शुभ हैं सुंदर हैं, जो योगियों के द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, योगी फिर ध्यान अगम्यम, जो योगियों के द्वारा ध्यान करने पर ही उस भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, दर्शन प्राप्त होते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं सर्वलोकैक नाथम, जो संपूर्ण लोकों के, सभी लोकों के जो स्वामी हैं नाथ हैं, जो जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाले हैं भव भयहरम, जो सारी दुनिया के जो भय हैं उस भय को हर लेते हैं, नाश कर देते हैं, दूर कर देते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति लक्ष्मीकांत को, कमल नयनम, कमल नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे विष्णु, मैं उस भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो सर्वलोकैक नाथम हैं, सभी लोकों के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, मालिक हैं। भैया बहनों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।